काम तो अब यह समय योगी मोदी के यहाँ। अच्छा, मोदी जी के हैं? काफी के गए। अच्छा, ये तरह कानून में कई पाए। योगी जो है दुनिया का गाय खुलवा दिया, पूरा खेती बर्बाद करवा रहा है। नहीं, अभी दादा तो बता रहे हैं कि योगी जी से अच्छा काम कोई किया नहीं है। कोई अच्छा, दादा जी देखिए, ये बता रहे हैं कि योगी सरकार में जो है गाय और जो बछड़े हैं बहुत ज्यादा छूट गए हैं, उसके बारे में क्या राय है? केवल गाय ने बछड़ा छुड़ाने नहीं तो और हर काम तो सही किए। अच्छा, और दोस्तों नमस्कार, आज हम प्रयागराज के विधानसभा फाफामऊ में पहुंचे हैं ग्राउंड रिपोर्ट के लिए, ओपिनियन पोल के लिए। आज हम बात करेंगे 2022 के विधानसभा आगामी चुनाव को लेकर कि विधानसभा फाफामऊ की जनता किसको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है और किसको नहीं देखना चाहती है। क्या योगी जी फिर से लौट कर आएंगे कि नहीं आएंगे, और महंगाई बेरोजगारी पर भी बात होगी। तो आइए जानते हैं कि यहाँ की जनता जो है उनकी क्या मंशा है, किस पार्टी को किस नज़र से देख रहे हैं। तो साथी, आपका परिचय? मेरा नाम शिवम श्रीवास्तव, मैं यहीं का उल्दा ग्राम सभा का निवासी हूँ। उल्दा ग्राम सभा के निवासी हैं। तो जो है चुनाव होने वाले हैं विधानसभा के, उसको आप किस नज़र से देख रहे हैं, किस पार्टी को आप समर्थन कर रहे हैं, किस पार्टी को चुनाव में लाना चाहते हैं, सरकार बनाना चाहते हैं? जैसे असपा हो गई, बसपा हो गई और सपा हो गई, भाजपा हो गई, किस पार्टी को अपनी नज़र से देख रहे हैं? मैं तो बसपा को समर्थन करता हूं, क्योंकि मायावती का शासन इतना अच्छा था कि कुछ कहने को नहीं। उनके शासन में कितने भी गुंडे मवाली थे वो सब जेल के ही अंदर थे। जैसे आप मान लीजिए राजा भैया, राजा भैया की क्या हिम्मत थी, आज क्या हो गई है बताइए। राजा भैया आज खुलेआम घूम रहे हैं और बसपा के शासन में उनके ऊपर दबाव था काफ़ी। आपका कहने का मतलब है जिस तरह से जब बहन मायावती की सरकार थी तो राजा भैया भी दुबके से बैठे थे और आज फिर उभर कर आए हैं, तो आज आप पुनः बहन जी की सरकार लाना चाहते हैं और राजा भैया को दुबकाना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, राजा भैया ठीक है जो, मगर बहुत से बाहुबली उनके शासनकाल में अंदर थे और मायावती का शासन जो था भ्रष्टाचार मुक्त था और किसान विरोधी नहीं था। ये सरकार किसान विरोधी है, पहली बात। महंगाई को किस नज़र से देख रहे हैं आपको? महंगाई आप देख ले सकते हैं खुद ही की, जो पेट्रोल आपको 75 रुपए में मिलता था आज 102 रुपए लीटर मिल रहा है। इससे महंगा और क्या हो सकता है। गैस जो आपको 550 में 450 में मिलती थी आज 850 में मिल रही है, इससे महंगा क्या होगा। जो आपको सरसों का तेल 90 से लेके 70 के बीच में मिलता था आज उसका रेट 160 से लेके 200 के बीच में है, इससे महंगा क्या होगा। गरीब आदमी खाएगा क्या, ये बताइए पहले। अच्छा, आप ये बताइए, आप जनरल से आते हैं? हाँ। अच्छा, मायावती जो है लगातार ब्राह्मण सम्मेलन करवा रही हैं, उसके मुखिया सतीश चंद्र मिश्रा हैं, तो आपके नज़र में ब्राह्मण सम्मेलन कहाँ तक अच्छा है और ब्राह्मण सम्मेलन को आप कहाँ तक समर्थन करते हैं? देखिए, काफ़ी पार्टियाँ सभी अपना अपना सम्मेलन करती हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ब्राह्मण सम्मेलन मायावती कर रही हैं तो सभी पार्टियाँ अपनी कर सकती हैं, कोई इसमें विरोध नहीं है। ब्राह्मणों का जोड़ना, अगर जोड़ रही हैं मायावती जी तो बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं। अच्छा, कहीं ना कहीं देखा जाए तो जनरल के लोगों का भी समर्थन मिल रहा है बहन मायावती को। आइए हम और भी लोगों से बात करते हैं चुनाव को लेकर। देखा जाए कि इस विधानसभा फाफामऊ में जो लोग हैं यहाँ के, वो किस पार्टी को अपनी नज़र से देख रहे हैं। तो दादा, जो चुनाव होने वाले हैं विधानसभा के, तो आप जो है किस पार्टी को अपनी नज़र से देख रहे हैं, किसकी सरकार लाना चाहते हैं, मायावती या अखिलेश या अरे भाई अब यही नावे ढंग से चलावे राज। आपके नज़र से किनका काम अच्छा हुआ है? काम तो अब यह समय योगी मोदी के यहाँ। अच्छा, मोदी जी के हैं? काफी के गए। अच्छा, ये तरह कानून न कहीं पाए। तो आप फिर से सरकार नहीं के लाना चाहते हैं? भाई कहाँ कह रही का है। अच्छा अच्छा, आइए बताइए, आप बताइए जो है किसकी सरकार लाना पसंद करेंगे? हम तो अखिलेश की सरकार लाऊंगा। अखिलेश अच्छा काम करते हैं? अच्छा काम किया है, 100 नंबर लाया है। अच्छा भाई, 100 नंबर लाया है, यही जो है एम्बुलेंस लाया। आपके नज़र में जो है योगी जो है दुनिया का गाय खुलवा दिया, पूरा खेती बर्बाद करवा रहा है? नहीं, अभी दादा तो बता रहे हैं कि योगी जी से अच्छा काम कोई किया नहीं है। अच्छा, नहीं दादा जी देखिए, ये बता रहे हैं कि योगी सरकार में जो है गाय और जो बछड़े हैं बहुत ज़्यादा
छूट गए हैं, उसके बारे में क्या रहा है आप? केवल गाय ने बछड़ा छोड़ाने नहीं तो और हर काम तो सही किए। अच्छा, और क्या काम सही किए? जो गऊ नहीं कट रही थी उससे ज़्यादा अब कट रही है। जो ये बोल रहे हैं कि गऊ नहीं कटेगी, लेकिन उससे ज़्यादा कट रही है अब, इसलिए मियाँ लोग फ्री पा रहे हैं, फ्री ज़्यादा काट रहे हैं। और एक समय थी कि खरीद के काटते थे, तो वो जिसको 10 खरी बांधना था वो जरूर 9 अपना बांधे रह जाए। अच्छा, अच्छा। ये बताइए, जो साढ़ और गाय हैं ये खेत में पड़ते हैं, कितना आपको दिक्कत होता है रात भाई दिन? रात भी ताको, दिन भी ताको। नहीं दादा, ब्लेड वाला तार लगा दो, ब्लेड वाला तार लगाए हैं, मारो और जो है कितनी गाय कीड़ा पड़ जा रहे हैं, पूरा एकदम भंडा सरा। अच्छा, अच्छा, उनको नुकसान हो रहा है भाई, जहाँ देखो मर रही हैं। इससे ज्यादा पाप योगी क्या लेंगे, इससे ज्यादा पाप और कहाँ पाएंगे दादा। जिस तरह से अभी आपने भी सुना होगा, ये कह रहे हैं योगी जी पाप ले रहे हैं और आप कह रहे हैं काम अच्छा कर रहे हैं। काम अच्छा किए हैं, तो काम अच्छा किए हैं, बिल्कुल। तो गलत कर रहे हैं क्या भाई? योगी मोदी इतने काम अच्छा किए हैं कि जो कि अयोध्या की मंदिर बनवा दिए, बाकी ये कोई काम नहीं किए। पेट्रोल बढ़ा दिए, डीजल बढ़ा दिए, तेल खाने राशन पानी सब बढ़ा दिए हैं। खाली वही जो दे रहे हैं, मतलब किसको नहीं दे रहे हैं, फिर सबको दे रहे हैं। अच्छा, अच्छा। क्या कहें कि उसमें छोट को नहीं दे रहे हो कि बड़े को नहीं दे रहे हो, सबको एक बराबर दे रहे हो। चाचा आपका नाम क्या है ये बताओ? हमारा नाम दिल कुमार है। दिल कुमार? हाँ। अभी जो है फाफामो विधानसभा में हम आए हैं, हमारा दिल जो है दिल कुमार जीत लिए हैं। यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि समाजवादी पार्टी को इनका वोट जाएगा। तो चाचा ये बताइए, आप समाजवादी की पार्टी को समर्थन करते हैं? हाँ। और समाजवादी पार्टी से जो है, अगर चंद्रशेखर रावण का नाम सुने हैं? हाँ। वो जो है चंद्रशेखर जो है समाजवादी पार्टी से गठबंधन कर रहे हैं, यूपी में जो है सरकार बनाना चाहते हैं मिलकर, क्या अच्छा पड़ेगा? नहीं अच्छा रहेगा, बनना चाहिए सरकार, बस अपनी सरकार बननी चाहिए। हाँ, बस सरकार बनना है, बस सरकार बनना चाहिए, बस योगी भागे यहाँ से। अच्छा, अच्छा, योगी जी लौटे ना? हाँ ना। अच्छा, इतना काहे दुख है, मतलब इतना काम के ऊपर? पूरा रात का दिन ताक रहा हूँ जाके, दुई बिस्सा खेत ना आया, लेकिन अधिया दो दिया बोए, अधिया दो दिया बोए, उहू को ताकत ही लागत नहीं निकल दिया। जिस तरह से आप लोगों ने सुना यहाँ पे योगी नाराज से, ये चाचा योगी जी की सरकार से ये चाचा नाराज हैं, और ये दादा जो हैं बहुत खुश हैं, लेकिन जो है अपनी दिली गवाही नहीं दे रहे हैं। जैसे कि चुनाव आने वाले हैं दादा, तो चुनाव में जो है किसको सरकार के रूप में देखना चाहते हैं, मायावती या अखिलेश या योगी जी को, किसको देखना चाहते हैं भाई? मायावती कहा थी या अखिलेश, दो में हमको एक, दो में एक चाहिए। जैसे कि माना जाए तो आप कह रहे हैं कि दो में एक चाहिए, तो हम दोनों के लिए एक नंबर अलाउट करते हैं, 10 नंबर। सबसे ज़्यादा नंबर आप किसे देंगे, मायावती या अखिलेश को? जी कहा थी, हम तो कहा थी मतलब हमको दोनों आदमी बराबर बराबर हमको अच्छा, समझना। आपके कहने के अनुसार से जो है अगर गठबंधन कर लिया जाए तो कहाँ तक अच्छा पड़ेगा? तो अगर दोनों आदमी अगर इकट्ठा हो जाए कर ले तो हमको ठीक है, अच्छी बात है, ये बात नहीं है। अच्छा, और जो सरकार चल रही है इस पर क्या कहना है? सरकार जो चल रही है हमको तो नहीं बिल्कुल है। अच्छा, क्योंकि जिस तरह का भ्रष्टाचार हो रहा है, जिस तरह हो रहा है, कोई हमारा का यहाँ कोई वो नहीं है, हर एक चीज़ के लिए देखा जाए दादा। तो महंगाई और बेरोजगारी पे भी बात होनी चाहिए, इस तरह से महंगाई और बेरोजगारी बढ़ चुकी है, उस पर क्या कहेंगे? महंगाई बढ़ गई है, महंगाई तो इतना बढ़ गई है कि यहाँ जो गरीब आदमी है, हाँ जिसके मान लिया जिसके खेती बाड़ी है, वो कुछ है कहा थी, वो कैसे अपना बाल बच्चे अपना जिलाएंगे, कैसे पालेंगे? तो महंगाई को लेकर अपनी बात आपने रखी, और जो है चुनाव को लेकर गठबंधन की सरकार लाना चाहते जी हैं। अच्छा, संदेह। अच्छा, हाँ। तो साथियों, जैसा कि आप लोगों ने देखा, अभी इधर से पता चला कि गठबंधन की सरकार देखना चाहते हैं, तो आइए हम और लोगों से भी बात करना चाहेंगे कि वो लोग क्या देखना चाहेंगे चुनाव को लेकर, किसकी पार्टी बनाना चाहेंगे। तो हमारे साथ में जो है युवा साथी जुड़े हैं, उनसे भी जानेंगे कि उनकी क्या मंशा है। उठे तो जो है 2022 के चुनाव को लेकर आप किस नज़र को, किस पार्टी को देख रहे हैं? बस हम यही चाहते हैं कि युवा बेरोजगार हो रहा है, कोई भी पार्टी आए, चाहे मायावती जी की आए, चाहे अखिलेश की आए, हर युवा को रोज़गार मिलना चाहिए, और मतलब जो भी हो सके, जैसे विधवा लोग के लिए अभी पेंशन बंद हो गई है, विकलांग में जो भी है उनकी कोई सुविधा नहीं मिली सरकार में, आने वाले वक्त में हम चाहते हैं कि अच्छी सुविधा मिले हर सरकार से, चाहे मायावती जी की सरकार हो, चाहे अखिलेश सरकार हो। तो आप जो है मायावती और
अखिलेश की सरकार को देख रहे हैं, तो अगर दोनों गठबंधन कर लेते हैं तो कहाँ तक अच्छा पड़ेगा? नहीं, गठबंधन कर लेंगे तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि एकदम मान लीजिए कि गठबंधन सरकार बनती है तो लोगों के हित के लिए काम होगा। साथियों, जिस तरह से आप लोगों ने सुना और देखा, इसी तरह से चैनल को सपोर्ट करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।